देखते हैं चिंटू बंद का चल रहा है क्या, पैर को कैसा रख रहा जैसा घोड़ी हो। काफी दिनों के बाद आया ना खेत में, लौट गया भाई, लौट गया। तो गाइस अभी रेड किंग को इस वाले पिटबुल के साथ मिला रहे। ओ भाई ओ भाई ओ तो भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग चैनल। और गाइस मेरी आवाज सुनते पीछे रोक्सी का पप्पी चिल्लाने लगा, बेचारा दो दिन से बंद कर रखा ना पारो वायरस की वजह से। आज भाई साहब आजाद करता हूँ। रोक्सी को देखो कितनी ज्यादा खुश हो रही, बेचारा दो दिन से अंदर था ना कमरे के, खेलना चाह रही रोक्सी इसके साथ। बट भाई हो मेरे साथ खेलना चाह रहा, इसे भाई एक बार दही वगैरह पिलाता हूँ, भूखा हो रहा शायद। ये वाला पप्पी मैंने इसीलिए नहीं दिया था अभी तक क्योंकि भाई रोक्सी का मन लगा रहेगा, थोड़े दिन बाद कोको के पप्पी आ जाएंगे तब देगा, ऐसा इतना मेरे पास ही रहेगा कुछ। भाई इतना अच्छे से रिकवर भी हो जाएगा, छोटा पैकेट इसी के पास आ गया। दो तीन दिन से बिल्कुल पैक कर रखा था कमरे के अंदर, किसी भी डॉग को इसके पास नहीं जाने दिया। सबसे मिलेगा पूरा खुश हो रहा, बार बार कभी रोक के पास जावे, कभी सिम्बा के, कभी रोक्सी के। वैसा भाई ठीक तो है, उसी दिन हो गया था, मतलब शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया था। और एक इसने दिन रात लुल्लू बना रखा, पता नहीं भाई कब पप्पीस देगी, मैं तो भाई इंतजार ही कर रहा और काफी दिनों से इंतजार कर रहा। और गाइस वैसा मैं इन दोनों को एक साथ खाना रखा करूं था, बट भाई आज अकेले को खाना रखा और एक दो दिन तक ऐसे ही खा लगा। छोटा पैकेट नीचे से पूरा चिढ़ रहा, नू कह रहा पहले ऐसे दे दिया, चीटिंग करता है तू। तो गाइस पिछले इन सभी का तो खाना वाना हो गया, बट भाई रेड किंग को नहीं दिया, रेड किंग की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाता हूँ फिर दूंगा खाना, क्योंकि भाई कल भी एक्सरसाइज नहीं हुई थी, बेचारा परेशान हो रहा केज के अंदर सुबह से। देखना भाई अभी कैसे बैठा, इसे भाई नीचे ले जाकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करवाता हूँ। बट भाई पहले दो काम करने पड़ेंगे, एक तो सामने के गेट बंद करने पड़ेंगे जिससे कि चिंटू ना आवे, और गाइस दूसरा इसे खाना नहीं रखता, जूली को रखता हूँ। जूली हमारी इस वाले कमरे के अंदर है, वो लौट के सामने। सबसे बड़ा खतरा चिंटू का था, बट भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, गेट बंद हो गए चारों तरफ से, गेट बंद हो गए, रेड को खुला छोड़ता हूँ नीचे, जी ले अपनी जिंदगी। और गाइस खुलते ही देखो कितना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, और गाइस इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बन रही थी, कल भाई इसकी एक्सरसाइज नहीं करवा पाए ना हम, समझ रहे हो, इसीलिए भाई मैंने खाना नहीं रखा, मैंने सोचा थोड़ी सी एनर्जी निकलवाता हूँ इसकी फिर रखूंगा खाना, क्योंकि भाई ये वाली ब्रीड ऐसी है जिन्हें भाई टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार को भाई पिट बुल या फिर अमेरिकन बुल्ली को बिना टाइम दिए काम चल जाएगा, वैसे तो भाई उन्हें भी देना पड़े, बट भाई उनके मुकाबले एबीपीटी को ज्यादा देना पड़े, तू समझा। अब भाई थोड़ी बहुत देर हाथ पैर चला लगा, एक्सरसाइज ही हो जाएगी इसकी। और गाइस रेड किंग की वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाता क्योंकि भाई रेगुलर घुमाना पड़े ऐसे। देखना भाई कैसा उछल कूद कर रहा, बॉल इसके हाथ नहीं लग रही, बॉल एक बार इस साइड को भाग जा, एक बार इस साइड को पकड़ ली। और गाइस स्प्रिंग देखो कभी कभी तो ऐसा लगा टूट जाएगा, बट भाई लोहे का है यो नहीं टूटने का इस पे। कॉस भाई ऐसा होता है, एक साइड से रोक लगाता, एक साइड से रेड किंग लगाता, जैसे रोक और खोखो लगा हुआ है। और गाइस आज तो झटके पर झटके मार रहा, ओए बॉल को आउट उड़का दी। ओ भाई साहब ये देखो भाई नीम भी तोड़ दिया, मतलब बक्कल उतर गई नीम की, इतनी स्पीड से गई। मैं पहले ही पीछे हट जाऊं अगर भाई बॉल एकदम से छूट जाने इसके मुंह में से, पूरी स्पीड से जाओ ऊपर को। बॉल वाला जुगाड़ बढ़िया हो गया, बॉल का भी स्प्रिंग वाला भी, फिर भाई हमें टायर वगैरह हाथों से नहीं पकड़ना पड़ता, खुद ही लगा रहे चाहे भाई वहां पर जाकर बैठ जाओ आराम से। जब भी भाई रेड किंग की एक्सरसाइज करवानी हो और गाइस टाइम ना हो खेत वगैरह में ले जाने का, आराम से दूर जाकर बैठ जाओ, यहाँ पर भाई खुद ही लगा रहे। जरूरी नहीं है ग्रिप लगवाने से एनर्जी निकले, घुमाने फिराने से भी एक्सरसाइज हो जा। रेड किंग की जीभ देखो कितनी तेज हिल रही, ये देखो भाई इसकी जीभ बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रही थी, टक्कर सी मार रहा इसमें, इसके हाथ नहीं लग पाती ना, ये देखो पीठ पकड़ ली। जब भी मैंने कहूँ ना कि टक्कर से मार रहा तुरंत पकड़ ले, बेइज्जती फील हो जा बेचारे को। तो गाइस अभी रेड किंग की ट्रेनिंग करवाते करवाते ये देखो भाई बारिश आ गई, फिर भाई एकदम से ऊपर लेकर आ गए, ज्यादा नहीं भाई बारिश में बिगड़ दिया क्योंकि भाई शरीर गर्म हो रहा था। A few inches later. तो गाइस शाम हो गई और गाइस रोको खेत में लेकर जाना था, रोको देखो भाई कैसा कर रहा मेरे पैरों में, हां चलेंगे चलेंगे, बट भाई आज बारिश आई थी, सुबह के टाइम सारे खेत गीले हो रहे होंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, रोको आज का और रेस्ट कर लेता। नहीं तो भाई सीधा जिन्ने की तरफ को भाग जावे, कल को चले जाइए कल को, आज ही जाऊंगा ये तो भाई, आज ही जाऊंगा, चलो भाई चलो चलो। तो गाइस चलता हूँ रोक को लेकर, और गाइस रोक को आज चार पांच दिनों के बाद लेकर जाऊंगा, फिर आ गया लो कह रहा जल्दी लेकर चल, इस पर रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, रहा नहीं जाता। ले भाई रोको पैंट पैर लपनी, ले पैर ला जल्दी पैर ला। और गाइस रेड किंग भोक के जा रहा, रेड किंग नु कह रहा पहला मुझे लेकर चल, कोको नु कह रही पहला मुझे लेकर चल, सारे के सारे आपस में चिढ़ जावे जब किसी एक को लेकर जाऊं। सिम्बा भी चिढ़ गया, सिम्बा नु कह रहा मुझे भी लेकर चल, अंदर से रेड किंग तो भोके जा रहा, बाहर चिंटू डॉन मिल गया, आज भाई चिंटू को लेकर जाऊंगा रोक के साथ। पानी है ज्यादा भर रहा, चलो कोई नहीं पैदल ही तो लेकर जा रहे, कौन सा बाइक पे लेकर जा रहे, बाइक पर ज्यादा दिक्कत हो गए। देखना भाई सारे रास्ते कैसे हो रहे, रोको बिल्कुल साइड साइड में चलिए, वो तो शुक्र है बाइक पर नहीं ला, वरना भाई अपने हाथ पैर काले करता फिर मजा करता। और गाइस रोको घुमाने में बड़ा लगी मजा है, आज भाई काफी दिनों के बाद लेकर आ रहा ना इसलिए लग रहा, रोक की जगह पर कोको थी, कोको तो इसमें लौट ही जाती। और गाइस आज फिर से चिंटू के अंदर घुस गया, रोक को लेकर जाने की प्लानिंग में, रोक बाहर खड़ा चिंटू अंदर जा लिया, जब भाई रोक के साथ चिंटू आकर है, चिंटू भाई जानबूझ का पंगा करवा दे इसका किसी ना किसी डॉग के साथ, चिंटू बस तलाश में रहे कोई सामने से डॉग दिखे और जाकर अटैक कर दे, फिर भाई पीछे से रोका जाना इसीलिए। बहुत तेज हो रहा है, थोड़ी देर में रोक को घर पर छोड़ गया, फिर भाई रेड किंग को लेकर बॉबडोन के पास जाऊंगा, उसके पास जो रोट व्हीलर था ना वो तो भाई चला गया, अब भाई उसके बदले में दो डॉग हो रहा रे, एक तो जर्मन शेफर्ड का एक पिटबुल का, उनके साथ मिलवाऊंगा रेड किंग को। पीछे बच्चों को देखो, चिंटू को चेस्ट बेल्ट पहना रे, अरे तो लिकट जाएगी घनी ढिल्ली ही, रेड किंग का भी नहीं आती तो ढिल्ली पैंट पहना दी से। देखते हैं चिंटू बंद का चला गया, वैसे तो भाई आदत नहीं है। देखना भाई पैर को कैसा रख रहा जैसा घोड़ी हो, बिल्कुल एक पैर इस साइड को एक पैर इस साइड को, आजा चिंटू बिल्कुल ही मटक का दिखा रहा, पैर देखो भाई इसकी पूरा मटक मटक का चल रहा।
मेरे पास कमेंट आते रहे, चिंटू को बेल्ट पहना दो, बट भाई मैं जानबूझ का पट्टा वगैरह नहीं पहना होता, यो बेचारा जंगली है, इसे आजादी का मजा लेने दो। बात तो सही है। और एक भाई साहब को देखो कैसे बैठ के घास में, रोक काज पूरा मन लग रहा होगा, काफी दिनों के बाद आया ना खेत में, लौट गया भाई, लौट गया, लग गया लुट लुटी लगाने, ओए ओए गिरा गया। गया। रोको ज्यादा देर घुमाया फिराया नहीं, क्योंकि इसके पैरों में दिक्कत आ रही थी ना, क्या पता दोबारा से लगन डाल लगे। कुछ भाई मुझे डॉक्टर ने मना कर रखी, ज्यादा देर घुमाना फिराना नहीं, रनिंग नहीं करवानी और बाइक पे नहीं बैठाना आ गया जब तक ठीक नहीं होता, समझ रहे हो। तो गाइस आ गया रोक को लेकर, और गाइस रोक के आते सिम्बा चिढ़ गया, अनु कह रहा सिम्बा मुझे नहीं लेकर गई, चीटिंग। कल को भाई सिम्बा को भी लेकर चलेंगे। और गाइस रेड किंग की बेल्ट देखो नहीं वाली, बिल्कुल फिट आ रही, बट भाई रेड किंग को ले जाने से पहले एक बार जूली को लाता हूँ घुमा के। जूली सुबह से आज बंदी बंद रही, सामने से शिवम आया था, शिवम का लात मार दी रेड किंग ने। क्या बोला तूने? शिवम को देखकर पूरा एक्साइटेड हो जाओ। ओए सिम्बा और तू कहाँ भाग गया, ओ बदमाश यहाँ को आ तू। सामने भाई वो डॉग बैठा ना, उसको ऊपर एग्रेशन कर रहा, चल अंदर मार साले का खोपड़ी तोड़। चल भाई रेड किंग बैठ, इस आगे रेड किंग को ले गए। और गाइस ये रस का जर्मन वाला और ये पिट बुल वाला, ये वाला तो बिल्कुल सिम्बा के जैसा है, बॉबी डोन अटैक तो नहीं करता, वैसे तो भाई फ्रेंडली लग रहा। ओए ओए फ्रेंडली नहीं है भाई, फंस गया। ओ भाई वो तो भाई खत्म भाई, पीछे कर जा खुल गया। ओ भाई अटैक कर दिया होता। ओए उसका दौरा ले जाओ, ओए उसका दौरा जा लिया। हटा नहीं पीछे, मैं तो भाई रेड किंग के दौरा जाऊं। ओए हट पीछे रेड किंग, भाई बचा ले। खोपड़ी तो साले का। अगर भाई मैं थोड़ा सा भी डर जाता ना तुरंत अटैक कर देता, वो तो भाई मेरे हाथ में लकड़ी थी, इस लकड़ी के सहारे बच गया। फिर तो भाई मैं लास्ट में आकर रेड किंग के पास आ गया, रेड किंग ही बचा सका था, साले को बम से उड़ा दूंगा। तो गाइस अभी रेड किंग को इस वाले पिटबुल के साथ मिला रहे, वैसे तो भाई एग्रेशन करता नहीं रेड किंग स्टार्टिंग में, ज्यादा भी ना मिलवाओ, अभी तो भाई पुच्ची सुच्ची कर रहे। अबे साले। ओए 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 ओए। और गाइस एकदम से इन दोनों के बीच में ये देखो कौन आ गया, छोटा सा चिंटू। गाइस जब से जर्मन वाले ने मेरे ऊपर अटैक करा तब से भाई धक हो रही बॉबी डोन, किसी दिन को खुआओगा तुम मुझे? अरे नहीं तो जब ये करे कहां से। और गाइस ये देखो पहला बांध किस चीज से रखा था, बिल्कुल छोटे से नाड़े से, प्लानिंग में था मजा खुआने की। बुरा लगता है भाई। रेड किंग को आगे लेके चलते हैं। ओए ओए पीछे कर ले, वो तो उसको ऐसे अटैक नहीं करा, जर्मन वाले से फ्रेंडली तो यही है। और गाइस ये देख लो रेड किंग के ऊपर पूरा एग्रेशन कर रहा, बट भाई रेड किंग कुछ नहीं कह रहा है, शायद भाई इसलिए नहीं कह रहा। ओए ओए तू समझा, सोच रहा कल को सिम्बा को लेकर आऊंगा, सिम्बा को मिलवाऊंगा इससे, तब करिए एग्रेशन, क्योंकि भाई दोनों सेम ब्रीड के हो जाएंगे। और गाइस आजकल हमने रेड किंग का एग्रेशन करवाना बंद कर रखा, अगर भाई कोई मेल डॉग आ जाए उसके साथ थोड़ी बहुत देर मिलवाला है, ज्यादा देर नहीं मिलवाते, इसलिए भाई बॉबी डोन का पिटबुल भेज दिया, क्या पता भाई एग्रेशन हो जाए। तो गाइस अब इसकी रनिंग करवाते घर पर लेकर चलेंगे सीधे। और गाइस थोड़ा थोड़ा कच्चे से करवा रहे, इस साइड कच्चा हो गया ना, अभी तो खैर पक्के पे आ गया क्योंकि भाई घास है, आगे चलकर कच्चे पे कर लेंगे इसे। वैसे तो भाई इसके पैर छुलते नहीं क्योंकि भाई रनिंग कर पूरे पक्के हो रहे, मजबूत हो रहे, थोड़ा भाई स्टार्टिंग में आ गया दिक्कत, नीचे से पैर छुल जाए पंजे। तो गाइस आ गया रेड किंग को लेकर घर पे, और गाइस आते ऊपर छोड़ दिया, ये घूम रहा हमारा रोकू। और एक ना देखो दोनों कैसे बैठ गए, छोटा पैकेट भी और कोको भी। और गाइस कोको का समझ नहीं आ रहा, कब पप्पीस देगी कोको, कद को आऊंगे तेरे पिल्ले। अब तो भाई मैंने इंतजार करना भी छोड़ दिया, कल लग रहा था कि पप्पीस आ जाएंगे बट भाई आए नहीं। और गाइस आजकल कोको के मूड का कुछ नहीं पता चलता, कभी तो इसके साथ दोस्ती हो जा, कभी इसी कहीं बुड़ के भर लगे। क्या बोला तूने? कोई नहीं भाई, और दो चार दिन के अंदर अंदर पप्पीस आ जाएंगे। और गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना। ठोक लीजिए।